I know you will surely make through IMUCT. Welcome back to my YouTube channel. So hope you all are doing good. I am also doing great. So guys, finally I have completed 1 month on board and it was very good. Very good learning experience. So basically 8 more to go and iske baad finally we'll be home and iske baad hai mere exams for second mains. So thanks and love you all and thanks for always supporting me and aapke pyar se jo maine brand khola tha Be Different is going very good. So guys, Be Different ka link main de dunga description box mein, to wahan se shop zarur karna agar aap video dekh rahe ho. And uske baad aap सबके प्यार से पापा मम्मा के सपोर्ट से मैं दिसंबर में एक और कुछ खरीदने वाला बहुत बड़ा अपना ड्रीम. सो गाइस थैंक्स फॉर दैट आल्सो इन एडवांस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में इन एडवांस. तो अब वीडियो करते हैं हम शुरू. सो गाइस आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल क्योंकि नेक्स्ट मंथ 29th ऑफ मे को है एग्जाम IMUCT का. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 months बचे हैं अभी. तो IMUCT एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी इतना ज़्यादा टफ नहीं है क्लियर करना अगर आप एक प्रॉपर वे में पढ़ोगे एंड प्रॉपर बुक्स को रेफर करोगे. नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा मर्जी गेन कर लो वो कम ही रहती है. तो बेसिकली गो फॉर द बेसिक्स. सो अगर आपके बेसिक्स अच्छे 11th और 12th के तो यू विल श्योरली मेक थ्रू IMUCT. एंड मैं लास्ट में एक बुक बता दूंगा, बुक अमेजोन पे मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर सीधा बाय कर लेना. तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई वो बुक को यूज़ कैसे करना है. सो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू मी आपका 11th और 12th के बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीज़ों के बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए. इंग्लिश तो नॉर्मल रहती है, जनरल एप्टीट्यूड आपको उसी बुक से मिल जाएगा जो भी है, जो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप पढ़ लेना. तो सबसे पहले IMUCT इज इम्पॉर्टेंट फॉर DNS, BSc, BTech इन मेरीन एंड MBA इन लॉजिस्टिक्स. सो गाइज अगर आपको इन चारों में से किसी में भी अपना करियर बनाना है तो IMUCT इज कंपल्सरी फॉर यू. एंड आप मेरे अकॉर्डिंगली जितना अच्छा रैंक ले लोगे IMUCT में इट विल बी बेटर फॉर यू क्योंकि ये वाला रैंक फरवरी में भी यूज़ हो सकता है एंड इधर अगस्त में भी यूज़ हो सकता है. तो गाइस जस्ट प्रिपेयर फॉर इट, डू योर बेस्ट, यू हैव 2 months एंड यू कैन डू इट, आई नो. सो बेसिकली उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि भाई DNS में हमेशा कंपनी मैटर करती है, BSc में हमेशा कॉलेज मैटर करता है एंड BTech मरीन में भी कॉलेज ही मैटर करता है क्योंकि BSc में और BTech मरीन में आपकी प्लेसमेंट होती है बट आपको कॉलेज में भी पढ़ना रहता है. बट DNS में आपको कॉलेज में एग्जाम्स क्लियर करने हैं एक सर्टन परसेंटेज से, गुड परसेंटेज से, ऐसे इतना कम नहीं बट एक गुड परसेंटेज से एग्जाम क्लियर करने फॉर श्योर. तो गाइज मेरे अकॉर्डिंगली तो आप DNS के लिए जाओ बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर BSc और BTech मरीन. MBA लॉजिस्टिक की मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो MBA करते हैं लोग जैसे कंटेनर्स एंड ऑल, कार्गो के इधर उधर शिफ्टिंग एंड ऑल में, वो MBA लॉजिस्टिक्स में आ जाते हैं. मैं भी इसके बारे में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को भी अभी ज़्यादा नॉलेज हुई है, जो मैं थोड़े इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता लगा. एंड यहाँ पे एक इंजीनियर है, उन्होंने उनसे पूछा था मैंने, तो सर ने मेरे को बताया कि भाई MBA लॉजिस्टिक्स के लिए भी कंपल्सरी है. सो आई एम एडिंग दिस पॉइंट इन माई वीडियो. तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. एंड मैंने डिफरेंस बिटवीन DNS एंड BSc की वीडियो बना रखी है, उसको ज़रूर देख लो एक बार, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. एंड हाउ टू क्लियर IMUCT सिलेबस एंड ऑल सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. एंड जो आपका एग्ज़ाम है इस बार का वो उसमें आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 hours. 2 hours का एग्ज़ाम होगा एंड एग्ज़ाम विल बी ऑफलाइन. जो हमारा टाइम था हमें मिले थे 3 घंटे, भैया आपको मिल रहा है 1 घंटा कम. तो आपके ऊपर एग्ज़ाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो अपने टाइम को काफ़ी अच्छे से मैनेज करना. एंड पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आपका एक थोरो रिवीजन हो जाएगी, मतलब कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किस टाइम पे कैसा क्वेश्चन मेरे को आने वाला है. तो यू विल बी रेडी फॉर दैट एंड आप अपने क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे एंड एक सर्टन टाइम पीरियड में कर लोगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, थैंक यू एंड लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल. एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड हु इज ऑल्सो गिविंग IMUCT कि उसको भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी. डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक यू एंड लव यू ऑलवेज, बाय. एंड आई नो यू विल श्योरली मेक थ्रू IMUCT.
थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।